जी अच्छा सड़ा अच्छा संगे प्रतिक्रिया ना आप के शुणिले कौन घटी आज पूरा जानते आप मत पांचटा बेले संध्या पांचटा बेले मत कल गला जे तुम भाई एसीबी रे भर्ती होती अवस्था बहुत क्रिटिकल आपण आसतु मुझ आसला डक्टर सहित कथा डक्टर कहले आहांती दिन गोटाए बेल ठार् एक्सपायर कर सारे तापर भाई तो निजे जेहेतु आम से पचारू अटेडाट पाखे सी कहले भाई पाखे बोत मान जे भाई बो सी सी कह कथा जे मुझ जानी सी मत कहीकिले मुझे जाऊँ विधानसभा जाऊँगी सुर बाबू को देखा कर हाँ दिन बेले मेडिकल चिकित्सा मेडिकल विधानसभा को आज्ञा मेडिकल मेडिकल कहीकि गले मुझे विधानसभा जाऊँ तू काली जाइलु मो सहित आ तू जानी आज मुकुटिया जाऊँ कहीकि आज ये निष्पत्ति भावुं सरकार ही गुहारी जो न शुणिले दीर्घ दुई वर्ष होगा जो गोटे बामगड़ अचल होकर बेड्रे से पड़ते कौन सी भी लोक भी हूँ माइंड डाइवर्ट हो गला से किसी दु वर्ष दीर्घ दु वर्ष हम बेड रू उठी पार ना से सरकार गुहारी बारंबार बारंबार जनईवापर भी सरकार जो किसी पदक्षेप ना से लास्ट बाध्य बाटटा को हूँ बाछने क्या दायी करेंगे जेहेतु आप कहते कि राज्य सरकार जनई स्वास्थ्य सचिव को जनई स्वास्थ्य मंत्री को जनई राज्यपाल जनई कौन से लोक गुहारी शुणिले जहाँफल आज गोटे चरम पदक्षेप नहीं गले केवल एथिपाई केवल मो ओडिसा सरकार ही दायी आउ कई नुहे ओडिसा सरकार आ एसीबी रो जो अच्छा आमर मेन अच्छा ये अच्छा आमर सुपरटेन ऑफिस रे जे अच्छा सुपरटेन सार से माने ही केवल दायी जेहेतु आमको उचित ट्रीटमेंट कले आमको आड़ आखिरे देखिले से हूँ आमको बारंबार फेरईदे कहले तुम ट्रिटमेंट ये पार्बन जदि भी क्या ट्रिटमेंट किए कही आमको अर्थोपेडिक ट्रिटमेंट हो पार तुम ये जो गोड़ा हो आउ किसी एटी करहबनी जी अच्छी से हिं तुम चलने को चेस्टा कर तापर आम बहुत चेषा कर एम्स रे देखे एम्स वाला कहते एटी जदि न हो पार ये तो आम किसी कि तुम बाहर कोड़ीसा बाहर को गले पार एम्स डॉक्टर माने कहते आम कह बाहर जावाकूल आम पाखे तो अर्थबल ना आम तो भाई निजे आम कहते विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड था कौन से कम लगे सी कहते अभियोग करते आप चिंता करूँ थे चिकित्सा आस मेडिकल को चिकित्सा भर्ती होती दीर्घ दिन तरह चिकित्सा होनी तेल विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जो होती कार्ड क्या उद्देश्य रोचे गोटे लोक जो चरम निष्पत्ति होती मृत्यु हो जाए तरह ये विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना थाई कि जहाँ न था से सरकार कौन करुच्छे सरकार करी गोटे जिनस जी से कार्यकारी न हम से जिनस आसव कौनपी घटना कौन होता है ट्रिटमेंट होते एसीबी रे पूरा घटना ट्रिटमेंट होते 2020 मसीहा मार्च 22 तारीख दिन एक्सीडेंट है राति मार्च 22 जो एक्सीडेंट है आम आम पाख मेडिकल को नहींदेल सी रेफर करदे कहले पारू जो कटक नहीं जाओ कटक जो नहींगलु कटक आसी काजुआलीटे रही काजुआलीटे रहा काजुआलीटे से दिन रात रही सका प्लास्टिक सर्जरी की कले प्लास्टिक सर्जरी वार्ड को पठेदे प्लास्टिक सर्जरी वार्ड रखिलु स्वतंत्र टीम गोटे बसिले आम ट्रिटमेंट कले ट्रिटमेंट कर छमास सतमास ट्रिटमेंट करापर जिते आमर सबकि ये होता खंडिया कबरा जहाँ भी होता से सब भल हैपर हूँ आमको कहले कोरोना माड़ आसिले आठ ट्रिटमेंट हो पारन तुम एटी रही मेडिसिन खाई ड्रेसींग हम आउ कि करहबन तुम घर को पलै जाओ घरे ही कर घर जो पहुँचे आम से किसी दिन पर प्रतिक्रिया कहते गोटे भेन जोड़ी ना जहाँफल से चली पड़ते त्रुटि होती एसीबी पक्ष एसीबी जो ट्रिटमेंट कर दुई दुई थर गोटे हूँ मार्च 22 आ गोटे हूँ जून 16 दुई दुई थर अपरेसन करते दुई दुई थर अपरेसन कर गोटे त्रुटि रही है कि भेन जोड़ी ना जहाँफल बाम गोटी पर अचल होता सी जो एसीबी आसते देखापी से ट्रिटमेंट करता से बाहर डॉक्टर परामर्श करते बाहर डॉक्टर कहते सीटी स्कैन एमआरआई है जना पड़ा कि बाहर डॉक्टर कहते प्राइवेट डॉक्टर से कहते कि जेहतु त्रुटि रही ऑपरेशन से चली पार ना त्रुटि ये सब घटला भावुं त्रुटि स्वतंत्र केवल ही एसीबी त्रुटि करूँ आज मो भाई जी हूँ ये दुनिया में नहांती
କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ହିଁ ଦାୟୀ ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଖବର କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ? ନା ସେମିତି ହଠାତ୍ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ, ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖା କରିବି, ମୋ ଗୁହା ବିଧାନସଭାରେ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଟିକେ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ମୋ ଗୁହାରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି, ଆଉ ତାପରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତି କରିବି ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିନଥିଲେ। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସେ ବାହାରିକି ଗଲେ, କହିକି ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି କେବଳ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବି ଆଉ ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଟିକେ ଦେଖା କରିବି, ମୋ ଗୁହାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଏତିକି କହିକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5-6 ବେଳେ ହିଁ ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ତମ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଆସିକି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ସେ ଭେନ୍ କାଟିକି ପଏଜନ୍ ପିଇଛନ୍ତି, ପଏଜନ୍ ପିଇଥିବାରୁ ବଡ଼ିରେ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ନଥିବାରୁ ପଏଜନ୍ ସଡ଼ନ୍ ଧରିଦେଇଛି। ସେ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ତୁରନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସମାନେ ବିଧାନସଭାରୁ ହେଉଛି ନେଲେ ଥାନାକୁ, ଯଦି ସେଇଠୁ ସଡ଼ନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଆଜିକି ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ସେଠିକି ନେଲେ ନେଇଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ସମୟ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସମୟ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଯେ ସେ ଆଜି ଜୀବନଟାକୁ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି।